अमर जी, क्या मैसेज है आपका गवर्नमेंट को? मैं अमर मोमन, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज यहाँ पे ऑल कैजुअल लेबर की एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें फ्लोरिकल्चर के कुछ एम्प्लॉयज जिन लोगों ने यहाँ पे मीटिंग रखी, और ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट हो या अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ हो, हमने आज मिलकर एक मीटिंग की है, जिसमें इन लोगों ने भी एक मीटिंग रखी। और हमारा एक ही मैसेज है अपने तमाम सफाई कर्मचारियों को कि जिस तरीके से ये मीटिंगें चल रही है, और हमारे सफाई कर्मचारी जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो या अर्बन लोकल बॉडीज के हो, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 23 तारीख की महारैली होने जा रही है, उसमें हमारी अहम डिमांड है कि कैजुअल लेबर जो 7 साल कवर कर चुके हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, उन लोगों को परमानेंट किया जाए, और यूटी के मिनिमम वेजेस 18,350 हो, चाहे जो भी है, जो यूटी के मिनिमम वेजेस है, जिस तरीके से चंडीगढ़ में मिल रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में मिल रहे हैं यूटी के मिनिमम वेजेस, वही यूटी के मिनिमम वेजेस जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू किए जाएं। हमारी यही अहम डिमांड है, और मैं अपने सफाई कर्मचारियों से फिर से ये हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि 23 तारीख महारैली में आप सभी इकट्ठा हो। देवीदास जी, आपका क्या मैसेज है गवर्नमेंट को? सर, मेरे यहाँ के एलजी साहब और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को सर यही मैसेज है कि सबसे पहले जो हमारा कैसेज है या कैजुअल लेबर डेली वेजेस का जो रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए, और साथ में जो बाकी यूटियों में मिनिमम वेजेस एक्ट के जहाँ पे जो रेट मिल रहे हैं, वो यहाँ पे भी वाबजार होने चाहिए। और सर, मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि जो कैजुअल लेबर जो डेली वेजेस काम करने के लिए जाना जाता था, आज गवर्नमेंट की नाकामियों की वजह से वो रोडों पे है, हड़ताल पे है, क्योंकि गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन यहाँ अगर हम उनको रेलवे स्टेशन पॉलिसी कागजात जमा कर देती है, मिनिमम वेजेस एक्ट का इम्प्लीमेंट कर देता है, तो जितना भी यहाँ का जो कैसेज है कैसे लेकर है, वो अपने काम से जाना जाता है, वो अपने काम पे रहेगा। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में 23 तारीख को यहाँ पे एक महान रैली होने जा रही है, उससे पहले एक कैसेज है कैसे लेवल को एक रेगुलर जैसे पॉलिसी फ्रेम की जाए, जिस तरह आपने SRO 202 में अमेंडमेंट की, उसी तरह हमारे SRO 520 में SRO 64 की तर्ज पे अमेंडमेंट करके वो रेगुलर किया जाए, और जो रेगुलर जो बाकी इम्प्लाई बच जाएंगे उनको मिनिमम बेसिस एक्ट में कम्प्लीट किया जाए। जय हिंद, जय भारत।